बात को लेकर दबंगों ने बोला हमला अमेठी से बड़ी खबर। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल। घायल के सर में आई है गंभीर चोटें। घायल का अस्पताल में कराया जा गया भर्ती, हो चल रहा है उसका इलाज। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। जामो थाना क्षेत्र के भोए बाजार का मामला है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। गोला उपचुनाव में सपा ने की जारी 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जबकि भाजपा पहले ही जारी कर चुकी है 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सपा की लिस्ट में पूर्व खीरी सांसद रवि प्रकाश वर्मा का भी नाम शामिल। छात्रों के दो गुटों में जमकर हुई है मारपीट, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 20 सड़क पर जमकर चली बेल्ट। सूत्रों के अनुसार 2 से 3 राउंड हुई हवाई फायरिंग। हवाई फायरिंग की जानकारी मिलने पर पहुंची थाना पुलिस। पुलिस के पहुंचने पर दोनों गुट मौके से हुए फरार। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्याम नगर का मामला है। सरवस्ती पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। सरवस्ती से बड़ी खबर। अफगानिस्तानी युवक के साथ 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अफगानिस्तानी युवक 2017 से टूरिज्म वीजा पर आया था भारत। 10 माह पूर्व ही समाप्त हो गया था वीजा। भारत के विभिन्न जगहों पर चोरी छुपे करता था काम। 14 अक्टूबर को अफगानी व्यक्ति पहुंचा था श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों के पास से बरामद हुआ एंड्रॉइड फोन। तीनों व्यक्तियों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। एक अफगानी नागरिक इमरान सामी साफी, ये इसके साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है सिरसिया पुलिस द्वारा। ये वर्ष 2017 में अफगानिस्तान से दिल्ली आया था टूरिस्ट वीज़ा पर 3 माह के लिए। जब इनसे पूछा गया तो इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे ओरिजिनल रूप में, इसलिए गिरफ्तारी की गई। जो मोबाइल में इनके पास जो मोबाइल नंबर था, वो इनके साथ गिरफ्तार नरेंद्र पाल सिंह जो पंजाब का रहने वाला है उसके नाम पे वो सिम है, और इनके मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट था उसके आधार पर 2021 में तक इनका पासपोर्ट वैलिड था। इस पर विधिक कार्रवाई की गई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आलू कोल्ड स्टोरेज में ग्राहकों और पल्लेदारों में मारपीट, कासगंज से बड़ी खबर है ये। आलू के बोरे बदले जाने का ग्राहकों ने आरोप लगाया। मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स कोल्ड स्टोरेज में मौजूद। कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण। सहावर थाना क्षेत्र के हीरालाल कोल्ड स्टोरेज का मामला है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम।
निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश